करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.10 2.10 पेज नंबर 52 एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन हमसे कहता है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो कि टूटता नहीं है वाटर के अंदर जाके, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह आयंस में नहीं टूटता, जिसको हम नॉन वोलेटाइल भी बोल सकते हैं। तो 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, इससे हुआ क्या, इट लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। जैसे ही हमने 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला, 1 ग्राम सॉल्यूट डाला 50 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना घट गया, 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन नीचे चला गया, इतना चेंज आ गया। तो चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर है चेंज के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमको दी हुई है 0.40 केल्विन, दिस इज गिवन, ठीक है। नाउ और क्या चीज़ हमने यहाँ देखा, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट जो कम है 1 ग्राम, इसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन है, दिस इज 50 ग्राम, ठीक है। इस ग्राम को आप चाहें तो यहीं कि चेंज कर लें 10^-3 करके केजी में, क्योंकि हमारा ये सॉल्वेंट है और फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस में मोलैलिटी ज़रूर इन्वॉल्व होगी और मोलैलिटी हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट से निकलता है और सॉल्वेंट का मास हमको केजी में चाहिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल, यूनिट से पहचानिए ये क्या चीज़ है, ये केएफ की वैल्यू दी हुई है कॉन्स्टेंट की, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन 5.12 केल्विन केजी पर मोल, ये गिवन है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमको सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, देखिए हमारे पास टीएफ अवेलेबल है, हमारे पास केएफ अवेलेबल है, हमको फॉर्मूला पता है कि टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं, टीएफ इज इक्वल टू केएफ, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलैलिटी की जगह पर यूज़ करेंगे। तो मोलैलिटी की जगह हमने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये केजी में नहीं है जो कि हमको यहाँ दिख रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ 1000 लगा लेंगे, तो ये केजी में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्वांटिटी हमको निकालनी है, तो बाकी सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। देखिए टीएफ हमको गिवन है 0.40, केएफ हमको गिवन है 5.12, डब्ल्यूबी हमको गिवन है 1 ग्राम, डब्ल्यूए हमको गिवन है 50 ग्राम, तो सिर्फ ये अननोन बचा, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम एमबी इस तरफ ले चलते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना बचेगा, इस तरफ केएफ है इनटू डब्ल्यूबी है इनटू 1000 है, ये डेल्टा टीएफ यहाँ आ गया नीचे, डेल्टा टीएफ मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यूए। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, केएफ की वैल्यू कितनी 5.12, डब्ल्यूबी यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये 1000 सॉल्वेंट को ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए आया है, बाकी इसका कोई यूजुअल मीनिंग नहीं है यहाँ। डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, दिस इज 0.40 केल्विन, और मास ऑफ द सॉल्वेंट है 50 ग्राम था, तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए ये 1000। अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको आंसर दे देगा 256 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपको फार्मूला याद है, सिर्फ आपको ये छोटा सा फार्मूला याद रखना है, ये इतने लंबे चौड़े फार्मूले याद नहीं रखने, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होता है, एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी के बराबर होता है, बस मोलैलिटी को आपको चेंज करना आना चाहिए। इसके लिए अगर आप डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट ढूंढ के डिटेल लेक्चर हर एक टॉपिक पर देख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर 3 लेक्चर बने हुए हैं, आप डिटेल्स उनको देख करके समझ सकते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा।